नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से, जहां बजरी वाला बैरागी कैंप में कल लगी भीषण आग से पीड़ित परिवारों से मिलने आज आम आदमी पार्टी की एक टीम प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों ने बताया, पिछले 40 वर्षों से हम रह रहे हैं। कई बार क्षेत्रीय विधायक द्वारा जमीन हमारे नाम कराने एवं स्थायी आवास देने की बात कही थी। प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है 3,000 रुपये मुआवजा ना काफी बताते हुए लेने से साफ इनकार कर दिया। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बताया गया कि आग सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि साजिशें लगाई गई है। पिछले कई दिनों से कुंभ मेला होने के अंतर्गत जमीन खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा था, उनका कहना है, जिस पर हमारे द्वारा जगह खाली करने से साफ इनकार कर दिया गया। हमारी कोशिक कॉलोनी में हमें सारे मूलभूत सुविधाएं हैं, हम समय पर बिजली का बिल जमा करते हैं, साजिश के तहत क्यों हटाया जा रहा है फिर हमें। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने बताया, बजरी वाली में हुई घटना हृदय विदारक है। पूर्व जिला अध्यक्ष हेमा भंडारी ने बताया, महिला एवं बच्चे खुली सड़क पर रहने को मजबूर है। सरकार एवं प्रशासन उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था कर उन्हें आवास दिलाए, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। इसका इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में आम आदमी पार्टी करवाएगी। नवीन मार्या ने कहा कि पीड़ित परिवारों ने कल से कुछ खाया नहीं, जिनके घर शादी थी, पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आग कैसे लगी? हरिद्वार से ब्यूरो विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट।